स्मृति को ट्रोल न करने को नेता कहले राहुल। दिल्ली में सरकारी बासभवन खाली कले स्मृति। स्मृति खराब शब्द व्यवहार करने अनुचित बोली कहले राहुल। पूर्वतन केन्द्रमंत्री तथा बीजेपी नेता स्मृति ईरानी लुटिन्स दिल्ली में सरकारी बासभवन खाली कर लोकसभा कांग्रेस नेता तथा विरोधी दल नेता राहुल गांधी बंगला खाली करने एक बड़ मंतव्य जीवन में जय एवं पराजय अच्छी से कहते स्मृति ईरानी कहीं कौन प्रकार अपमानजनक भाषा व्यवहार करने उचित नुहे कहले राहुल। लोकसभा कांग्रेस नेता तथा विरोधी दल नेता राहुल गांधी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी विरोध में अपमानजनक भाषा व्यवहार न करने को कांग्रेस समस्त नेता नवेदन कर राहुल गांधी ट्वीट कर विजय और पराजय जीवन एक अंश एवं यह जारी रो समस्त अनुरोध करुच्ची अपमानजनक भाषा व्यवहार नक स्मृति ईरानी किंवा अन्य कौन नेता प्रति खराब व्यवहार करने अनुचित आहरी लोक असम्मान करने और अपमान करने शक्ति नुहे बर दुर्बलतार संकेत अटे। आमेथुर निर्वाचन हारिजापर स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया क्रमगत भाव में ट्रोल कर दृष्टि रखी राहुल गांधी समस्त नवेदन कर 2024 लोकसभा निर्वाचन में स्मृति ईरानी को आमेथी एक पराजय सम्मुखीन होगा पड़ता कहुच्ची स्मृति ईरानी चारिज पूर्वतन केन्द्रमंत्री लुटिन्स दिल्ली में सेमकर सरकारी बंगला खाली करपक्ष सरकार नूतन मंत्री को बंगला आवंटन संपर्क में गुरुवार एक बैठक अनुषित होता। यह बैठक पर आलोचना होता जे केन्द्र गृह और नगर व्यापार मंत्री मनोहर लाल खट्टर को कृष्णा मेनन मगर अवस्थित एक बंगला दिजार संभावना रही। यह बंगला पूर्व पूर्वतन केन्द्रमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को थिला। निकट में शेष होता लोकसभा निर्वाचन में कांग्रेस किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को आमेथी आसन 1.5 लाख अधिक भोट व्यवधान में परास्त कर 2019 लोकसभा निर्वाचन में स्मृति ईरानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को परास्त कर एक बड़ विजय हासिल करते सरकार महिला और शिशु विकास मंत्री करा। ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।